प्रोसेस में यह अंतर है कि हमें सबसे पहले ये खोजना होगा कि आखिर जब 2x से डिवाइड दे रहे हैं और हमें 6x² ला करके इस टर्म को कैंसिल करना है, तो आखिर यहाँ पे कितना नंबर से लगाया जाए। तो इसका एक उपाय यह होता है कि ये जो डिजिट है जिसमें हम डिवाइड दे रहे हैं, इसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे और जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं इसको हम नीचे लिख लेंगे और हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे। तो 2 3 जा 6 कैंसिल हो जाएगा और एक्स से 1 टाइम्स ये कैंसिल होगा, यानी वो नंबर 3x आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे 3x से लगा देंगे। अब अगला स्टेप ये आएगा कि इनको और इनको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंड 3 मल्टीप्लाई होकर 6 होगा, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होकर 1x² होगा और अगला स्टेप हमारा सब्ट्रैक्शन का होगा। तो क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट प्लस है तो इसका साइन हम चेंज करके माइनस करेंगे, दोनों बराबर है, कैंसिल हो जाएगा और ये जो टर्म यहाँ पे बच रहे हैं वो पूरा का पूरा ये टर्म हम नीचे ले आएंगे, 4x+7। हमारे सामने अब फिर से वही प्रोसेस आएगा कि अब हम यहाँ पर कितना से लगाएं। तो वही प्रोसेस है, इसका जो पहला डिजिट है 4x, इसमें हमको डिवाइड देना है इसमें 2x से। यहाँ पर भी x से x कैंसिल होगा एंड 2 2 जा 4 कट करके 2 आएगा, तो इसलिए हमारा अगला जो नंबर होगा वो 2 होगा, उसको हम यहाँ लिख देंगे और फिर ये नंबर और ये नंबर में हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2x एंड 2 में जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आएगा 4x और बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लस में है तो माइनस में कर देंगे और घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो ये जो 2x है इसका डिग्री 1 है और ये जो रिमाइंडर 7 है इसका जो डिग्री है वो 0 है। तो कोई भी डिवीजन वहीं पे स्टॉप हो जाता है जब डिवाइड देने वाले से रिमाइंडर का डिग्री कम जाए, तो वहाँ पर डिवीजन ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ यह देखने वाली चीज़ है कि हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि 4 के टेबल में हमें 13 लाना है, क्योंकि 4 के टेबल में 13 आएगा ही नहीं, बल्कि हम लोग इसको वही पुराने मेथड से बनाएंगे कि सबसे पहले ये जो 13x² है इसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे और जिससे डिवाइड देना है उसको हम नीचे लिखेंगे। अब नंबर्स नहीं कटेंगे लेकिन एक्स से एक्स कट करके आ जाएगा 13/4 × x और यही जो नंबर यहाँ पे आया इसको यहाँ पे लिख देंगे 13/4 x। अगला स्टेप है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का। जब हम 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 13x/4 से, तो 4 से 4 कैंसिल होने के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होके 13x² आएगा और इसी नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लस में है, इसका साइन चेंज करके माइनस में कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर से जो बचे हुए टर्म हैं ये नीचे आएंगे, -7x+2। एक बार फिर से हमें सोचना होगा कि अब कितना से लगाया जाए। तो नियम के अनुसार पुनः हम इसको ऊपर में लिखेंगे क्योंकि इसमें डिवाइड देना है और 4x नीचे लिखा जाएगा, कैंसिल होने के बाद -7/4 आएगा। तो इसलिए हम लोग इसको -7/4 से एक बार और लगाएंगे और अब फिर बारी आएगा
इन दोनों के मल्टीप्लाई करने का, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 4x इंटू माइनस 7/4, दोनों कैंसिल होने से माइनस 7x आ जाएगा। तो यह माइनस 7x को हम लोग लिख करके घटाएंगे, घटाने के प्रोसेस में ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और ये कैंसिल हो करके 2 आ जाएगा। हम लोग इसको बोलेंगे एज ए रिमाइंडर। यहाँ पर भी 4x का डिग्री 1 है और 2 का डिग्री 0 है, यानी कि यहीं पर हमारा डिवीजन स्टॉप होता है। अब हम लोग दो टर्म में आते हैं कि दो टर्म का डिवीजन किस तरीका से हो सकता है उसको देखा जाए। हम लोग अपने मन से कोई भी नंबर ले लें, जैसे मैं 3y-5, हमें इससे डिवीजन देना है 6y²-7y+1 में हमें डिवीजन देना है। अब हम लोग वही रूल फिर से अपनाएंगे कि जिससे हमें डिवीजन देना है, क्योंकि इस डिवाइजर का सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म 3y है, और फिलहाल जिसमें हमें डिवीजन देना है, जिसमें हमें डिवीजन देना है उसमें हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है वो है 6y². तो हम लोग करते क्या हैं कि 6y² में डिवाइड दे देंगे 3y के साथ, यानी इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म और इसका भी हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म को डिवाइड देंगे। डिवीजन में क्या होगा, y से y कैंसिल होगा, 3 एंड 6 में कैंसिल होगा, रिजल्ट 2y आएंगे, और इसलिए हमें इस 2y को यहाँ पे लिख देना होगा। अगला स्टेप आता है मल्टीप्लाई करने का। तो मल्टीप्लीकेशन में जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि 3y-5 ये टर्म को मल्टीप्लाई हमें 2y से करना होगा, तो 3 2 6y² - 10y आएगा, और ये जो रिजल्ट आया है इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 6y² - 10y। और अब हम घटाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लस में है तो ये माइनस कर देंगे, ये माइनस में है ये प्लस हो जाएगा, और क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो -7y और +10y में जब घटाया जाएगा तो इसका रिजल्ट आएगा +3y और ऊपर से आ जाएगा +1। अगला स्टेप फिर से यही चीज़ दोहराया जाएगा कि अब हमें 3y+1 में जो पहला टर्म है 3y, इसको ऊपर लिखना है, और जिससे डिवाइड हमें देना है वो नीचे आएंगे, और देखो ये पूरा से पूरा कैंसिल होके 1 आ जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर 1 टाइम्स लगाएंगे। और अब की बार ये जो पूरा टर्म है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो करके उतना का उतना ही रह जाएगा, यानी 3y-5, इसको घटा देंगे, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो जिससे डिवाइड हमें देना था उसका डिग्री 1 है, और जो रिमाइंडर आया उसका डिग्री 0 है, यानी इसका डिग्री डिवाइजर से कम है, तो इस प्रकार डिवीजन जो है वो समाप्त होता है।